उतर देंगे सूख सूख के थापियां के पाथियां क्या कहते हैं इनको थापियां भी पाथियां बड़े बड़े साइज के लगे हैं ये अभी छोटा है इससे अच्छा? बड़ा होएगा ये फैमिली कैसी आप सब उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे तो अभी हमारा नया व्लॉग शुरू हो गया हम क्योंकि जा रहे हैं मस्जिद का विजिट करने और अम्मी ने गिफ्ट भेजे थे मस्जिद के लिए वो भी देने हैं और अहमद भाई ने कहा है कि मस्जिद ही लेके चलते हैं और कारी साहब से भी मिलना है दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अम्मी का आपका आपने मस्जिद के लिए स्पेशल ख्वाहिश जाहिर की देखने की और इतनी दूर से सफर करके आए हैं अल्लाह पाक आपके सफर को कामयाब करे बहुत ज्यादा शुक्रिया नहीं नहीं मोस्ट वेलकम अम्मी का भी और आपके नहीं नहीं मोस्ट वेलकम शुक्रिया वाली कोई बात नहीं बिल्कुल मस्जिद की तैयारी कर चुके हैं और जी तो ये माशाल्लाह सामने मस्जिद है तो अभी मस्जिद के अंदर भी आपको लेके चलते हैं और आपको मस्जिद का भी सारा विजिट करवा रहे हैं काम बड़ा महंगा पड़ रहा है अभी फोन आया कहने का अम्मी कार्य सबसे कहना मुझे माफ कर दे मैं शाम तक पहुंच एक लड़का भी अगर उसमें काम करेंगे ना ये सबका जा रही है माँ बाप के लिए बहुत मन का बेटा है ना इस वजह से इसको रियायत दी जा रही है नहीं नहीं कोई रियायत नहीं तो सारी साहब ये आपके लिए ये हमारी सिस्टर की अम्मी ने गिफ्ट भेजा आपके लिए कुरान पाक का तोहफा है वॉल क्लॉक है और फाइल बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला आपको मजीद आपके हिजात आप फरमाए आमीन आमीन और भी आपके दिले ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक आपके पूरे करे माशाल्लाह मौला पाक आपकी आपने इंग्लिश में इस तरह मस्जिद बनाई और बच्चों के लिए शोर से बन गया पढ़ने का और सारा बहुत अच्छा है माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है देख के आज ये कुर्बानी के लिए अच्छी लाहौर जाते होंगे हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छे पाले ये खुद सारी केयर करते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह से काफी अच्छी दवाइयाँ देसी घी खा रहे हैं हाँ जी सेहती बता रही है हाँ जी हाँ जी सब करनी तो ऐसे मार भाई तो और बहुत प्यारे हैं हाँ जी शाजिया बाबी ने बड़ा डाल लगा है कुर्बानी आप पाले होने बकरे ये अमन भाई के मामू का घर है हाँ जी हाँ जी हाँ जी मामू का घर है ये सगे मामू ये एक ही है इकलौते मामू सही माशाल्लाह बकरे कितने प्यारे हैं देसी बकरे है ना हाँ जी ये राजस्थानी है राजनपुरी बकरे हैं राजनपुरी और ये ऐसा है ना ये वाला बकरा खास तौर पे के ये बैठे हो ना बहुत गोद में आके सर रख के तो फिर खड़ा हो जाता है नहीं नहीं हाँ जी अब मैं ज्यादा थोड़ा सा तोड़ के गए जफर भाई ये तोड़ ले आपके सर पे लगा हुआ वो इसका कहते हैं पानी लगे तो वो नहीं लगता भाई एम दे इलाके दे विच अंब ते जी रह गया ना बहुत देखो वो देखो उधर लगा है हां ये देख बहुत ज्यादा आ देखो ए ये मेरा हाथ नहीं जाना क्या हुआ ये भाभी राबिया उतारने लगी आम बोल बोल सही उतार लिया आपने और अच्छे हैं प्यारे मैं और मेरा तो हाथ आराम ना जेड़ा है ना अंबा ते पहुंच जांदा देसी है ना भाई हाँ जी हाँ जी ये अचार वाले के दूसरे हैं अचार वाला देसी इसकी चटनी भी बहुत है देखो सुपर बोल रहे काफी सारे बहुत है चटनी बना ली है बस चटनी बस चटनी के लिए लेके जाए ऑर्गेनिक है ना दरख्त से ताजे उतरे हैं हाँ जी ये देखिए
जी तो इधर उतार रहे हैं आम जो हम घर लेके जाएंगे। देखे दो एक साथ हुए। वो देखो वो भी जुड़वा है, इसको ऊपर ही जुड़वा नहीं। माशाल्लाह कोई कोई हाथ है सूखे जिनका चार खराब है। नहीं मेरा हाथ का चार खराब है। इधर देखो पक्या होया। हाँ जी ये तोते ने खाया होया मेरे का। हाँ पक्का होया बिल्कुल। और ये साथ है खजूर का दरख्त ऊपर लगी हुई है। लेकिन हाले कच्चियां ने नचियां ने हाले कच्चियां ने 2-3 महीने बाद ये पकन गई। हां एंड ते जाके ए नाल कपास लगी। हां कपास सही सही। नहीं नहीं ये खाने वाले हैं। ये जब मीठा पड़ता है ना ये इतना बड़ा पौधा आम बन जाता है। नहीं लेकिन माशाल्लाह अच्छा फल बहुत लगा। ये भी दे रहे हैं थापिया भी पाथिया भी उपले भी सारी दीवार पे लगी हुई है। ये गीले गीले उतार लेते हैं। मेरे से खड़ी करते हैं। नीचे कर दो हां। थापियां क्या तेरी है पाथियां का? पाथियां भी थापियां भी और उपले भी। तीन नाम है ना एक चीज के। उतार के चेक कर लिए। हां बड़े बड़े साइज के लगे हैं। ये भी छोटा है। इससे बड़ा होएगा ये। ये भी पकते रहेंगे। ये कब पक के तैयार होते हैं? ये तकरीबन 2 माह दे रहे। अच्छा 2 माह। ये है लंगड़ा आम। हां जी खाकर लंगड़े हो जाता है सारे। उधर अहमद भाई और नवाब भाई सब भी उतार रहे हैं। ना चौसा आप देखे वो क्या तजर्बे का है। ना सिंधी सिंधो ये कौन कौन सी सब्जी है? ये लौकी है। अच्छा लो ये लंबे वाला ये गोल वाला सही। अच्छा वो वाला आम खट्टा था ये वाला मीठा है। आइए मीठा है ये कच्चा ही मीठा है। ये कच्चा ही मीठा है। थोड़े से मुझे बाकी मिले ये आपके एक टाइम के लिए हो जाएंगे। मुझे पता है ना आप काफी ऊपर है ना ताजी सब्जी है। ये भी रखो लाइबा आम कैसा है मीठा है कभी चेक नहीं किया। ये कच्चा ही मीठा पानी निकल गया। इस जगह पे अभी मदरसा बनाने ये कच्चा ही मीठा बड़ा हमारे इलाके में गर्ल्स स्कूल में मैंने बताया था पूरी कोशिश करूंगा ये जमीन मिल जाए वहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए आगे किसी भाग कर ला चली रुपए लाख पका के खसा ठीक है ना कच्चा नहीं मिल जाएगा फैक्ट्री में। हां जगह होनी चाहिए। ये ले जाए सिस्टर ये तो आपको पूरा एक महीना काफी है। नहीं नहीं हमें वो 3 बहुत। अच्छा ये लगी हुई है हर दाल। हर दाल हो हर मौसम में पकती है। नहीं नहीं इसका मौसम होता है। ग्वार फली भी लगी हुई है लेकिन आजकल होती है। हाँ आजकल मौसम है इसका आजकल लगा दो घर में। दाल की सब्जी होती है कोई? हाँ जी जो मैंने दिखाया काफी दफा सूखी भी बनाई है। हाँ जी फली है इसकी लगी हुई है ना दादी? नहीं लगी हुई लेकिन ये खाली अच्छा, है। अच्छा ये फलियां जो है मटर नहीं होता मटर। हाँ जी कंधे फूट गए तो जी। ये है याम फातिमा को ईदी भी मिली है और है याम फातिमा के लिए कपड़े और ये भी मिले हैं। तो अभी हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। क्या सारे बच्चों को ईदियाँ मिल रही हैं? 3 इजाज़ के बच्चे ये 3 इजाज़ के बच्चों की। हाँ अच्छा ईदियाँ माए लेट है पर हमें ईदियाँ सही मिल गई हैं। ईद रखी हुई है साढ़े इससे। हाँ जी हाँ जी बस ये हमारी भी अब होगी तैयारी। हाँ तैयारी होगी बस वापसी इंशाल्लाह। हाँ सही मेहमान है भाई कल इस टाइम पहुँच रहे हैं आज इस टाइम पहुँचे हैं। कल इस टाइम बस निकले सी नहीं लेकिन आपका गांव अच्छा है वाकई ज्यादा दिन झटकी मार झटकी दो तीन दिन तो बनते हैं अचानक अचानक आए हैं ਮਿਲਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਮ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਪ ਅੱਡੇ ਜਾਤੇ ਰਹਤੇ ਆਪ ਕੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਰਸਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋਣਾ जी अब हम ले रहे हैं इजाजत।
और अहमद भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका टाइम भी हमने काफी लिया है। जज़ाकअल्लाह बहन, अल्लाह पाक आपको साथ। तो इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा जरूर होगी मुलाकात जल्दी। हाँ जी अच्छा बाकी मैं पीछे हट जाऊँ। मैं क्या हंसती हूँ ये यूं करके हाथ लेकर आए, मैंने कहा मैं पीछे सर पे मैं हाथ। तो जी हम लोग निकल पड़े हैं अभी यहाँ से, मोटरवे पे चढ़ेंगे और डायरेक्ट इंशाल्लाह समुंदरी उतरेंगे और आगे से साहिवाल। मैं और शाजिया भाभी और बच्चे बैठे हैं पीछे, बच्चे एक बच्ची सो गई है, एक को प्यास लगी है। तो अभी जफर ने ना ये रोड साइड पे गाड़ी खड़ी की है, नमाज भाई गए हैं पानी लेने के लिए। तो बस अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो इंशाल्लाह मोटरवे कहीं स्टे करेंगे, चाय वाय पियेंगे और आगे चले जाएंगे। क्यों रो रहा है, इसको प्यास लगी है, वो नमाज भाई पानी लेने गए को प्यास लगी है। वो देखो वो पानी आ रहा। पानी पीना। जी हम लोग साहिवाल फाइनली पहुंच गए हैं, नवाज भाई और शाजिया भाभी को ड्रॉप कर रहे थे, बड़ा लंबा सफर था, थक भी गए हैं। तो अभी हम आए मामू की तरफ हयाम फातिमा को लेने। तो हयाम फातिमा और रस्मा इधर अपने नाना नानी के घर थी, तो इनके घर में ये भी इधर भी मानो भी मैगी भी है। तो अभी हम हयाम फातिमा को पिक करते हैं और दिखाते हैं कि हयाम के क्या इंप्रेशन होते हैं हमें देख के। तो चलिए जी आ जाए, चलते हैं और मिलते हैं अंदर। अंदर ही एक मिनट रहो ना। हयाम फातिमा नहीं कोई दे रही। फातिमा क्या हुआ, क्यों क्या हुआ? हाँ जी वो शान के पास ये मामा पापा क्या हुआ? नहीं सही मामा आज जी फातिमा नहीं भैया भूल गई नहीं आपको मिल रही है बार बार ना। हाँ हल्की सी ताली मारी तो रोने लग गई मामू को। हाँ जी हम लोग आ गए हैं मामू की तरफ, हयाम निकली है, बेवफा हमें भूल गई है, वो बिल्कुल आ भी नहीं रही। तो कोई बात नहीं, चले हम तो खाते हैं खाना, फिर मौज करे फिरती फिरती रहे हमें क्या। तो ये है की अभी हमारे लिए खाना भी मामू लोगों ने बनाया हुआ था, रोटियाँ भी है, रोटियाँ है, दही भल्ले है, ये रायता है, ये दही भल्ले हैं, ये राइस हैं, ये चटनी है, ये एक चिकन चपली कबाब है और एक बीफ चपली कबाब है। कौन सा? ये बीफ है और ये चिकन है, ये दाल है और ये क्या से कहते हैं चिकन, हाँ चिकन के साथ, और इधर भी राइस पड़े हैं। चलो माशाल्लाह खाना बड़ा अच्छा बना लिया है। हयाम हमारे पास नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे हमारे पास आए तो हम खाते हैं खाना। तो अभी थक भी बहुत रहे हैं, तो मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।